बारह साल से बाबा ने कहा वाकई साबिर हो मेरे लाल, बचपन में किया तुमने बड़ा सब्र का कमाल, फिर एक नजर खास जो साबिर पे डाल दी, दम भर में सभी आपकी। दोस्तों फिर मैं नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और एक नया व्लॉग फिर स्टार्ट करता हूँ। और आज हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं, आज हमारी क्या जर्नी है आपको दिखाएंगे और आपको साथ रखेंगे आज अपने पूरा दिन। और हम तैयार हो रहे हैं और सब तैयार हो रहे हैं, अभी नज़र तैयार नहीं हुई, सलमान तैयार हो चुका है, माहिन तैयार हो गई, मैं तैयार हो गया और हमारी जो दूसरी फैमिली सब तैयार बैठे हैं, अरसलान भी, अफजान भी और चांद भी, बाकी नज़र भी, सब लोग तैयार वहाँ बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं हमारे निकलने का। हम निकलते हैं फिर आगे आपको अपनी जर्नी दिखाते हैं और आप हमारे साथ यूँ ही बनते रहिए। और आपने जो पिछले ब्लॉग में और आगे ब्लॉग में जो मुझे प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही प्यार बनाए रखें और चलते हैं आपके साथ। तो गाइस यहाँ देखिए हमारे छोटे भाई जान की एंट्री हो चुकी है। फैमिली वालों में से डरता था। अच्छा ये वो बता रहा है भैया, आज बता रहे हो इंस्टा पर स्टोरी डाली थी किसने, भैया ने, चेक करता हूं। रोज चेक करता हूँ। चाबी पे बैठ गए आप, चाबी अंदर रख दिला ले क्या हुआ, इसमें डाल दे, इसमें डाल देना। कहाँ गए डैडू? अब सामान रख रहे हैं डैडू, निकलेंगे निकलेंगे। वो रहे चाचा, सिर्फ कार दिख रही है अभी, पर चाचा नहीं दिख पा रहे डैडू। वो तो रहे, वो रहे डैडू, क्या कर रहे आप गाड़ी? और अफजान कहाँ रह गया? ये उतार दे जैकेट, जैकेट तो पहन के जा, जैकेट उतार दे लल, वह तो नंगा घूमता रहे गर्मी हो रही है। ला पीछे डाल दी तेरी जैकेट। चलिए दोस्तों हम पेट्रोल डलवाते हैं क्योंकि पेट्रोल नहीं डलेगा तो गाड़ी कैसे चलेगी। और पेट्रोल डलवाने के लिए हम पेट्रोल पंप पे पहुंच गए हैं लेकिन इतनी भीड़ नहीं होती जैसे ट्रक आ रहे हैं बार बार, ऐसे आज ही है ज़्यादा। तो हम पेट्रोल डलवाते हैं, अरसलान भी देखो आगे आ गया है। अरसलान व्यूअर्स को हाय बोलो। देखो दोस्तों गाड़ी में हमारी पेट्रोल डल रहा है और इधर एयर चेक हो रही है, इधर एयर चेक हो रही है, देखो कैमरा मैन इधर दिखाओ, एयर चेक हो रही है और 35 हम एयर रखेंगे क्योंकि जब भी आप लॉन्ग रूट पर जाए तो 35 के करीब एयर रखनी चाहिए क्योंकि गर्मी के मौसम में एयर का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, टायर गर्म होता है तो चलते में, इसलिए हवा कम रखनी चाहिए जब हम लॉन्ग रूट पर जाते हैं। ऐसा तो मैं गाड़ी चला रहा हूं, ऐसा मैकेनिक लोग बताते हैं उसी को हम फॉलो करते हैं। ताकि 4x4 और रियल व्हील ड्राइव को 4x4 बना दूं। हां ये जो बता रहे हैं हमारे अरसलान साहब, इन्हें ज्यादा जानकारी है हमारे भतीजे को। मैं तो रेत का बता रहा हूं, ये जानकारी बता रहे हो हाईवे का, हम हाईवे का बता रहे हैं, रेत का बता रहे हैं। और देखिए सब लोग अपना पेट्रोल माइलेज भरवा रहे हैं, हम भी भरवा रहे हैं, जैसे हम लोगों को खाना चाहिए इसको पेट्रोल चाहिए। देखो उधर हमारे अफजान भाई, अफजान उधर है और सर अफजान को सूरत को दिखा, अफजान को लिया ना जरा थोड़ी चहल पहल सी हो जाए। ये देखिए हम मी वेट कर रहे हैं अपने सबसे छोटे राजा जी का, पापा गए हैं, देखते हैं वो आते हैं या नहीं साथ। और ये बैठे हमारे अरसलान भाईजान, कुछ सोच में हैं, सोच रहे हैं कि राजस्थान होकर आ जाऊं। राजस्थान जाने का इरादा है? देखिए हमारे छोटे भाईजान भी आ चुके हैं पापा के साथ, पापा की गोद में है, देखिए अभी दिख नहीं रहा है यहाँ से, ये भी आ चुके हैं, ये आ गया हमारे बच्चे आ रहे थे। ये आ गया हमारा हीरो, हीरो आ गया, गया तुरंत गोद में तुरंत भैया। ये देखिए हमारे छोटे हीरो के एंट्री हो चुकी है, ज्योति ज्योति आ गए। वही ये देखिए हमारे हीरो को,
ब्लैक शर्ट ओफो भैया की तरह माशाल्लाह क्या है ये अभी पेट्रोल चेक कर रहा है ये सब लोग सही से भैया कहाँ है भैया ये रहे सलमान भैया ये रहे आवाज दो आ जाओ अफजू अफजान माम कर दो माम करो सलाम कर दो आ गए भैया आवाज दे रहा है सलमान तुझे आ जाओ पेट्रोल भी भर चुका है और हवा भी हमारी एयर हो गई है और हम चलते हैं और जो इसके डैडू की गाड़ी में भी अभी माइलेज लेना है तो वहाँ चल के दिखाते हैं आपको चलते हैं अफजान अफजान के साथ अफजान तुरंत हमारी साथ तुरंत इसकी जैकेट उतार दूँ गर्म उतार दो दोस्तों अरसलान अपना आगे बैठा हुआ है मस्ती में और हम लोग हाईवे पर हैं और ये जो हाईवे पड़ता है ये रुड़की रोड मुजफ्फरनगर का हाईवे पड़ता है देखिएगा ये हाईवे और हम लोग भी रुड़की जा रहे हैं और हम लोग रुड़की चल के दिखाते हैं रास्ते में क्या है और हमारी दूसरी गाड़ी को भी माइलेज नहीं मिला क्योंकि सीएनजी भी डलती है उसमें सीएनजी नहीं है वहाँ पर तो आगे देखते हैं आगे किसी पंप पे डलेगी हमारे में तो पेट्रोल ही डलता है तो हम लोगों ने तो डलवा लिया है और अब दूसरी गाड़ी के लिए इंतज़ार है दूसरी गाड़ी देखिए दोस्तों पीछे आ रही है देखिए दोस्तों पीछे आ रही है गाड़ी को हमारी उसमें भी बाकी लोग बैठे हुए हैं और ये हमारे मारुती मोबाइल चला रहे हैं देखो कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर रहा है अपनी लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज में दिक्कत होती है ना फोन मिलाने में तो अपने हिसाब से कर रहा है और आगे दिखाइएगा हमारे व्यूअर्स को देखिए अफजान भी व्लॉग बना रहा है देखो अफजू कैसे व्लॉग बना के दिखा दो कैसे शूट कर दो आप अच्छी गाड़ी के उधर वाले से तो टाइम लगेगा यहाँ पर देखे गाइस कितने लंबे लाइन है देखिए गाइस टोल पे भी जाम लगा हुआ है बताइए वो तो चल ही नहीं हाँ और हमारा जो वहाँ का टोल है दिल्ली रोड वाला उस पर जाम नहीं लगता उस पर खटाखट गाड़ियाँ निकल जाती हैं और यहाँ पर इस टोल पर जाम लगा हुआ है लगाएगा? ये सुस्त टोल है ये यहाँ की सर्विस अच्छी नहीं है इसकी मुजफ्फरनगर वाले टोल की इनका तो फ्री हो जाएगा इनकी अच्छी टोल्स होनी चाहिए अपने कदम बढ़ा रहा है कि मैं कैसे न कैसे आगे वाली सीट पर पहुंच जाऊं और स्टीयरिंग पकड़ूं और मैं खुद गाड़ी चलाऊं ये कह रहा देखो ये कह रहा तुम थक गए हो तो मैं गाड़ी चला लूंगा मैं ड्राइव कर लूंगा अफजान आपसे तो आती है चला ममदू इधर लगा ले तो छाए में को अंदर लेके ना उधर को मोड़ के खड़ी कर ले गाने याद है ये मूड में है तीनों भाइयों को प्यार चल रहा है ठीक है अगर गर्मी लग रही है तो आप जैकेट कह रहा नहीं मैं अरसलान भाई के साथ बैठा हूँ तो कोई कुछ नहीं कहने का ये लो अरसलान मैंने क्या कहा था ये धीरे धीरे पहुंच जाएगा इसके पास स्टीयरिंग पर जाना था गाड़ी चला रहे हो भैया अच्छा देखो इसे गाड़ी चलानी थी इसलिए अपना यहाँ आगे पहुंच गया है
और ये अब ड्राइवर सोच रहा है कि मैं थक गया। हाँ बता दो रिवर्स को, बता दो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बता दो रिवर्स को, दवा दो दवा दो इसको, रिवर्स को बताओ गाड़ी चला रहा हूँ मैं, देखो रिवर्स ये गाड़ी चला रहा, हाय तो कर दे, देख हेलो कर दे रिवर्स को, अफजान पीछे अफजान देख हाय हेलो हेलो कर दे, हेलो देखो रिवर्स, और अभी वो माइलेज ले रहे हैं दूसरी गाड़ी, तो थोड़ी सी लाइन लगी हुई है वहाँ पर, और अभी वो जल्दी से यहाँ से माइलेज लेके फिर हम लोग निकलते हैं, और अफजान गाड़ी चला रहा है, अरसलान ये हमारा बैठा है आराम से यहाँ पर, अरसलान इसमें सोच रहा है जल्दी चलूँ, और मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ कुछ खाना है तो और खा लो कुछ, अपनी वेट पे बैठी है कि अरसलान अफजान पीछे आए, तो वो अपने भैया की गोद में जाके बैठ गया, पार्टी चेंज हो गई, और हम कुछ खाते हैं बच्चों की चीज, नटखट देखो नटखट माइन बहुत खाती थी बचपन में, सलमान बहुत खाता था नटखट, इनका नाम नटखट्टा रख दिया था इसलिए नटखट्टा। अफजान 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 ये देखो गाड़ी चला रहा है लोडा, सन ग्लास गॉगल लगाए क्योंकि इसे पता है गर्मी आ गई है धूप लगेगी, तो इसलिए इसने गॉगल लगा लिए हैं, और इसको एक अच्छा सा गॉगल और डलवाएंगे ड्राइव करते में। आप लोग भी सेफ्टी के लिए अपनी आंखों की हिफाजत के लिए गॉगल लगाइएगा, क्योंकि अब गर्मी आ रही है धूप आ रही है इसलिए, और और होली आ रही है, मैं होली की भी आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ, होली की शुभकामनाएं मैं एडवांस में देता हूँ, होली आ रही है और होली में अपना ध्यान रखिए, रंगों से ध्यान रखिए, अपने बच्चों का अपने परिवार का ध्यान रखिए, ताकि आंखों में गुलाल ना जाए, और रंग भी नेचुरल जो रंग है वो इस्तेमाल किया जाए, वैसे इस्तेमाल ना किया जाए केमिकल वाले रंग, उससे है ना कच्चा भी ख़राब होती है और अपना आँखों को भी नुकसान पहुँचता है, शरीर को नुकसान पहुँचता है, इसलिए गुलाल जो नेचुरल कलर होते हैं बिना केमिकल के वही इस्तेमाल कराएं, खुद भी इस्तेमाल करें, बच्चों को भी, और हंसी खुशी से प्यार मोहब्बत से खूब होली मनाएं जोर शोर से, क्योंकि होली भी साल में एक बार आती है, बार बार तो आती नहीं, तो इसलिए जोर शोर से होली मनानी चाहिए, और होली खूब मनाइए, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ अपने पूरे परिवार से, और हमारा जो रमज़ान शुरू हो रहा है और इंशाल्लाह 12 तारीख से रमज़ान आ जाएगा, तो उसमें हमें आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ रमज़ान की, क्योंकि ये हमारे लिए महीना रहमतों का महीना होता है, बरकतों का महीना होता है, इस महीने में बहुत रहमत बरसती है अल्लाह की तरफ से सभी लोगों पे, अल्लाह की जितनी मखलूक हैं अल्लाह ताला उन्हें हमेशा खुश रखे, और रमज़ान रखने की जो मुसलमान भाई हैं उन्हें रमज़ान रखने की तौफीक अदा फरमाएँ, और जो बीमार हैं उनके लिए दुआ करें इस रमज़ान में तो वो सेहत अदा फरमाएँ, और अपने मुल्क के लिए अपने देश के लिए दुआ करें जो हमारा देश तरक्की करे, और सब और हमारा जो देश है जो हमारे दुश्मन हैं चारों तरफ जो दुश्मन लगे हुए हैं बॉर्डरों पे उनके उनसे हिफायत करें, और जो हमारी सेना या हमारे बॉर्डरों की हिफायत कर रही है उन्हें सेहत अता फरमाएं, वो तंदुरुस्त रहें खुश रहें हमेशा, और अफजान की मम्मी भी इधर आ रही हैं देखिए, और नजर भी आ रही है देखने के लिए, अस्सलाम वालेकुम दादी, ये देखिए दादी भी आ चुकी है, और इधर नजर अब इतने चाचा को देख के वहाँ पर सीएनजी डलवा रहे हैं, ये देखिए अरे ये हमारे ड्राइवर को कहाँ लेकर जा रहे हैं, गाड़ी कौन चला रहा है, ड्राइवर की कौन है, हमारे ड्राइवर को ले जा रहे हैं हमारे ड्राइवर, गाड़ी चलाने के लिए एक और है पास, भाई कहाँ जा रहे हो, पहनेगा आ जाओ इसके जूते ये इसका टिश्यू ले लो अफजान ले लो टिश्यू ले लो आएगा आ जाओ टाइम में ऐसे इधर उधर अदला बदली करता रहूंगा ले इसके जूते शो दाग रहे कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम मौला हम पे करम कर दो करम मौला कर दो करम।
अल्लाह हम पे करम, बिखरे हुए शर्मसार है हम, रहमत के तलबगार है हम, वास्ता नबी का मौला रख लो भरम, कर दो करम मौला कर दो करम, हम पे करम मौला हम पे करम, कर दो करम अल्लाह कर दो करम, हम पे करम मौला हम पे करम, देने वाला तू बड़ा है, हम तुझी से मांगते हैं, करता है तू ही अता, हाँ मुश्किलों की कर कुशाई, गम से दे हमें रिहाई, इतनी सी है इल्तिजा, बिखरे हुए शर्मसार है हम, रहमत के तलबगार है हम, वास्ता नबी का मौला रख लो भरम, कर दो करम मौला कर दो करम, हम पे करम अल्लाह हम पे कर। गर्मी में आएंगे नहा के दिखाएंगे आप लोगों को किस तरह से नहाते हैं, वैसे आज तक हम नहाए नहीं इसके अंदर। कपड़े भी धोते हैं अपन लोग, कपड़े भी धोते हैं, नहाते भी हैं। और भाई अरसलान क्या कहना चाहोगे आप? अरसलान तो बहुत मजा आ रहा है, खाते पीते एंजॉय करते हुए चल रहे हैं हम लोग। कहीं दूर जगह जाते हैं तो किसको मजा नहीं आता, किसको मजा नहीं आता, ये तो बड़ा सवाल गहरा पूछा है, ये पूछने की बात है, ये दादाजी को मजा नहीं आता और ड्राइवर को चलाना पड़ता है ना, वो हमारा छोटा ड्राइवर तो उधर चला गया है, दूसरी गाड़ी ड्राइव कर रहा है बस समय। अरसलान तो यहाँ पर बहुत बार आया है, उसका फर्स्ट टूर है यहाँ का। और क्या, अरसलान तो अरसलान है भैया, अरसलान की कौन गेस कर सकता है, अरसलान अरसलान की टक्कर में तो कोई है ही नहीं लगा क्या भाई। और नुजर जी आपको कैसे मजा आ रहा है? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आप बहुत मजा लीजिए, ट्रैवलिंग करना सबको पसंद है, सबको पसंद है, सबको पहले सलाम कर ले फिर उसके बाद पहले वहाँ सलाम करने के बाद फिर खाना। यहाँ पे भी दरगाह है, सलाम कर दो पीर बाबा रोशन अली शाह जी लिखा हुआ इस पे, आप सब भी सलाम कर लीजिए।
जाती है मिलिट्री वालों को, पूरा दुश्मन से लड़ने के लिए पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। तभी तो वो हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, तभी तो हमारा देश उन्हें बहुत सम्मान देता है। नहीं इधर मुड़ के उधर जा, आगे चल गया, इधर तो छोटी वो हो जाएगी सड़क आगे। देखिए कितना अच्छा व्यू है पानी का यहाँ। बिखरे हुए शर्मसार है हम, रहमत के तलबगार है हम। वास्ता अली का मौला रख लो करम, कर दो करम मौला कर दो करम, हम पे करम मौला हम पे करम। या रब्बे मुस्तफा, या रब्बे अंबिया, या रब्बे मुस्तफा, या रब्बे अंबिया, या रब्बे मुर्तजा, या रब्बे औलिया। तू वहदहु ला शरीक लहू, तेरी शान जल्ला जलालू, तू करीम है तू अजीम है, रहमान है तू रहीम है। तू करीम है तू अजीम है, रहमान है तू रहीम है। आदम को तूने इस्म सिखाए, नूह से कश्ती को बनवाया। आदम को तूने इस्म सिखाए, नूह से कश्ती को बनवाया। आग लगी गुलजार बनाया, अपने खलील को है बचाया। आग लगी गुलजार बनाया, अपने खलील को है बचाया। ओ भेज के मिस्र में यूसुफ को, शहनशाह मिस्र बनाया। भेज के मिस्र में यूसुफ को, शहनशाह यूनस को पेट में मछली के आयते करीमा पढ़वाया। यूनस को पेट में मछली के आयते करीमा पढ़वाया। तेरे हुक्म से मूसा ने दरियाए नील पार किया। तेरे हुक्म से मूसा ने दरियाए नील पार किया। मुर्दों को जिंदा करने का ईसा को मौजजा दिया। मुर्दों को जिंदा करने का ईसा को मौजजा दिया। आखिर में मेरे आका को, आखिर में मेरे आका को मेराज पे बुलाया। दी स्नान करने का जूस पीना तो बता दिया बेटा, कोहिनूर जूस वाला है ये, मशीन वाला रोक रहा है सलमान तो गाड़ी।
बताता रहता है वैसे ही करता रहता है। ये पुल भी बन गया गाइस, पहले पुल नहीं था, ये पुल बन गया, आगे पुल बन गया, वहाँ पार हो जाएगा पुल पूरा। और देखो यहाँ पे सब लोग अपना बेचारे अपना नारे धो रहे हैं जो लोग यहाँ रुकते हैं, और उधर ये वाला पुल चल रहा है, लेकिन शायद ये पुल आगे बंद है, आगे पुल ये पूरा खुला नहीं है, बस सिर्फ यहाँ तक के जाने के लिए पुल खुला है, लेकिन वो पुल पूरा खुल गया है, हम वहाँ से जा सकते हैं सब लोग कलियर में। और ये कलियर हमारा जो है उत्तराखंड में लगता है। ट्रॉली वाला ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्या बात होगी, रास्ता भूल गया क्या ये सामने मुड़ रहा है। आगे ट्रॉली चल रही है, मैं सोचा कि रास्ता तो नहीं भूल गया, सिर्फ बात इधर पर नहीं भाई, इधर को चला जा। वैसे भी अरसलान को तो सारे रास्ते याद है आगे। अरसलान का तो खैर सब कुछ याद है भैया, ये तो बचपन का शहनशाह है, यहाँ का आता रहता है, तो इनके आस्थान पे। और आज पहली बार हमारा अफजान भी आया है यहाँ पर सलाम करने, सलाम करने के लिए। और ये पानी का जो वहाँ से आ रहा है पंपा, वहाँ आगे जाके इसका सिस्टम है पानी का। यहाँ का सोन हलवा है वो इतना अच्छा है, सोन हलवा मशहूर है यहाँ का। ज्यादातर सोन हलवा ही लेकर जाते हैं कल्याण शरीफ से लोग। हाँ बहुत लोग जाते हैं, अब तो क्या हर जगह मिलता है, इसलिए लोग अब जाते नहीं, लेकिन कम कर दिया लोगों ने ले आना, गांव देहात के लोग तो आज भी जाते हैं, लेकिन अब हर जगह मिल जाती है हर चीज, तो इसलिए उसकी डिमांड कम हो जाती है। पहले स्पेशल मिलता था यहाँ सब कुछ, बस आगे पहला गेट जो खत्म आया ना, सिन्निया फूल सब मिल रहे हैं, अगरबत्ती सब कुछ मिलता है यहाँ पे, किसी चीज की कोई लाज नहीं। दुकाने आगे आगे तक कर ली, निकलने का थोड़ा रास्ता छोटा हो गया। जब आगे आगे चलते रहेंगे बहुत पीछे होती रहेंगी, धीरे धीरे सिस्टम आ जाता है। ये आ गया है वो गेट है ना, अरसलान ये गेट की आप बात कर रहे हो, माशाल्लाह कितना अच्छा गेट लग रहा है। पहले हम अभी कार पार्क कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं उधर
ये देख रहा है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम भाई, ये देख रहा है क्या बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, अरे ये देख रहा है कि कहां आ रहा हूं। यहां पर ऐसे काफी सारे बच्चे दिख रहे हैं। हां लाओ भाई, हां पहन लो अपने सूट। आ गई है दादी भी। अस्सलाम वालेकुम दादी, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए अरसलान को कुछ शायद पसंद आ गया है। आगे ये देखिए अफसान की शॉपिंग हो रही है। सलमान ये अब देखो देखो अभी अरसलान सोच रहा है दादी आप लोग ही कुछ अभी वहाँ पर बैठे धूप नहीं लगेगी। ये देखिए अब सार को देखिए यहाँ पर देखिए मार्केट ये देखिए हीरो हीरो अभी अरसलान का हो रहा है यहाँ पर। यहाँ
पर देखें हम लोग आ चुके हैं इमाम साहब के दरगाह पर। आप लोग भी सलाम कर लीजिए, ज़ियारत कर लीजिए। देखिए चुके हैं और पापा भैया चाचा अफसान इस्लाम सब लोग अंदर गए हैं ज़ियारत के लिए सलाम करने, और चाची मैं नजफ अम्मी हम चारों बाहर हैं। हम लोगों ने यहीं से दरूद शरीफ पढ़ ली है और सलाम भी कर लिया है, आप लोग भी कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ना कुछ ग्रिल इस टाइप से लगी हुई है, रास्ते इन्होंने अलग अलग तरीके से कर रखा है, यहाँ से बीच में से बंद कर दिया। तो हमें पूरा घूम कर जब वहाँ पर जाएंगे तो उधर हमें चाचा पापा सब मिलेंगे। यहाँ पर सब लोग वजू करते हैं और अभी देखते हैं चाचा पापा सब किधर से आते हैं, वो लोग अंदर हैं अभी। गाइस देखें वो आ चुके हैं पापा चाचा आसमान, यहाँ पर सब लोग रेस्ट कर रहे हैं बैठकर, रेस्ट करने का भी बैठा बना रखा है। गाइस ये अरसलान का पूरा मिनी वर्जन है। अभी हमारे साथ घूम रहा है, टहला है। आपके कट जाएगा। गया घूमने का। हाँ। गाड़ी में। तो देखो। हाँ। चलो चलो। हाँ पार। बच्चे के अफसान बजाओ उसे बजाओ करो, इसे तो वैसे भी ड्रम बजाने का बहुत शौक है। करो हम नजर भी ट्राई करके देख रहे हैं कि देखते हैं। नहीं मैंने तो पूरा सिनेरियो याद कर लिया अपने साइंस के एग्जाम के लिए। आ गया चलो चलो सर, भैया भी आए बजाने। ओ देखो वो जा रहे ना, आ जाओ चलो। आज ही भैया से ट्विनिंग कर रहा है। हाँ देखो ब्लैक ब्लैक आ जाओ। यूनस को पेट में मछली के आयते करीमा पढ़वाया, यूनस को पेट में मछली के आयते करीमा। फिश को खाना डाल ले। देखिए ये दिख रहे हैं ना, ये जो परकवा रहा है पानी, इसके अंदर फिश है। देख लो मेरा दुपट्टा, ले लेना सब डालो, वीडियो बनाओ लो। ये देखिए गाइस अब केपॉप क्वीन फिश को खाना खिला रही है। कैसे डालते देखता लूं मैं, बस ऐसे डाल दो तोड़ तोड़ के छोटा छोटा। Thank you.
अभी अफजान जा रहा है मिक्की माउस में, मिक्की माउस को ट्राई करने। अफजान ये देखिए कूद के दिखा, कूद के कूदो, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा, देख देख अफजू, सारे व्लॉगर तेरे पीछे पड़े हुए हैं सब बनाने के लिए, सारे के सारे व्लॉगर आजी सारे व्लॉगर को बना लिए सर, सारे व्लॉगर चल जाना भैया, किसे जाने दो पहले जा रहा है, आ जा ऊपर जा रहा है, आ जा अफजू, आ जा आ जा आ जा, देख रहा हूं सारा पूरा, आजा अफजू, सारे व्लॉगर तेरे पीछे पड़े हैं देख बनाने के लिए, सारा तुझसे कंटेंट ले लेंगे और सारा व्यूज लेके फिर पैसे कमाएंगे, तुझसे आजा आजा अफजू, आ जल्दी आजा भैया, बहुत मजा आजा गाइस, उसका तो मन ही नहीं कर रहा है कि वो वापस उतरे मिक्की माउस में से, आजा मैं नहीं पर कोई नहीं, आजा आजा थार में बैठो, थार में नहीं बैठ रहा मैं, देखो आ गए गाइस, देखो अफजान आ जाओ, ओए हीरो उसे तो मजा आ रहा है, ओ भैया क्या हो गया, अरे एक मिनट चलो चले अफजू, उसका मन नहीं है बैक हॉर्स, यहाँ पर देखिए अंदर जाने से पहले यहीं पर हम सब स्लीपर शूज वगैरह यहीं पर रख देते हैं, ये लोग यहीं पर जो है चार्ज करते हैं, चलते हैं अंदर, चल रहे हैं पर देखे। अब हम लोग आ चुके हैं हजरत किलकिली साहब की दरगाह पर, अब पापा चाचा अफजान अरसलान भैया सब अंदर गए हैं और यहाँ पर अम्मी चाची ने सब और मैं यहाँ पर, हम लोग यहीं से सलाम, आप लोग भी सलाम कर लीजिए, बाबा तो ये तो बुरे शाह हैं, ये बुरे शाह और नहीं तो ये अभी देर है, अफजान कैसे जा गया, पानी मांग रहा, पानी मेरा लाल, अभी रुको, गाड़ी चलाएगा, गाड़ी नहीं चलाना आज, इधर लगा दिया सलमान, कड़क कड़क तो आएगा, इधर आते थे गाइस, आप लोग देख चुके हैं, अब हम लोग आ चुके हैं बूढ़े शाह साहब की दरगाह पर, चाचा पापा सब लोग अंदर जा रहे हैं सलाम करने, और हम जैसा कि आप जानते हैं हम सब लोग यहीं पर खड़े होकर सलाम करते हैं, यहाँ पर भी छोटी छोटी मार्केट्स बना रखी हैं, देखें यहाँ पर लिख रखा है अपने नाम की अंगूठी पत्थर व नगीने यहाँ मिलते हैं, चांदी की अंगूठी भी मिलती है, मतलब एक मार्केट सी बना रखी है छोटी सी, जहाँ पर यही ज्वेलरीज वगैरह ये सब मिलती हैं और टोपी तस्वीर सब कुछ, ये देखिए यहाँ से पूरा व्यू दिखता है पहाड़ का, मतलब कितना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा पानी एकदम आंखों को सुकून से मिलता है, इसे देखो कितना अच्छा लग रहा है, चलते हैं
आ रही है हमारे भाईजान, पैसे ले, पैसे देते हैं पूरे पापा। चले तो अब हम लोग अपनी स्लीपर्स वगैरह लेते हैं और फिर टेंट पर चलते हैं क्योंकि बाहर ही उतारनी पड़ती है स्लीपर्स वगैरह। तो सब हम स्लीपर्स वगैरह लेकर फोन ना टाइट पकड़ना, जहाँ पे भी रश चल रही है ना दोनों हाथ से पकड़ लेना। फिर भी कुछ यहाँ पर देखिए ये हमारे छोटे भाई जान दोबारा से बटरिंग कर रहे हैं कि मैं आगे पहुंच जाऊं कैसे भी करके स्टीयरिंग पर। नहीं जी एक बार बैठ ना ना अर्सलान ले रहे अशु जेब में डाल ले, अशु जेब में डाल ले लाल, एंजॉय के लिए बैठा थे। हां गाड़ी खड़ी कर दी है, मुझे डर लग रहा था क्योंकि वो एकदम गड्ढों में बहुत तेज चल रहा था, वो तो मजे में बैठ गए थे। जब तक कैसे जाएंगे सीधे फाइनली मिशन में वो अपने कामयाब रहा, वो बैठ गया फिर ड्राइविंग सीट पर, गाड़ी चलाएगा ये, गाड़ी चलाएगा भैया ये, ताकत लगाएगा पूरी। सलमान का हाथ सीधी कर लीजिए ड्राइवर साहब, गाड़ी हंसी हारी है। देखो ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं हमारे छोटे बड़े, क्योंकि थक गया था तो इतने छोटे वाले ने सीट ले ली, गाड़ी करनी पड़ी इसलिए हाथ में अपने, तो अब ये गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा है और माशाल्लाह अच्छी ड्राइव कर लेता है ये, एंजॉय करता रहता है इधर उधर, ऐसा लगता है जैसे उड़ सो। इतनी भीड़ है यहाँ पर, देखे सब लोग अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर माशाल्लाह। सो गाइस देखिए अब हम लोग कार पार्किंग पे लगाएंगे, अब हम लोग आ चुके हैं साबिर पार्क की दरगाह पर, इन्हें बाहर उतार दे, ये हमारे छोटे भाई जान लेकर आ चुके हैं, अंदर को उतार दे, ये देखिए पूरी ड्राइविंग आती है सब। चलो देखिए अभी हम लोग रुक चुके हैं कुछ खाने पीने और चाची बनाकर लाई है सबके लिए, आलू गाजर इन सबके पराठे, तो अभी हम सब लोग वो खा रहे हैं, फिर बाद में कुछ और खाने जाएंगे रेस्टोरेंट वगैरह। खाने का टाइम है लेकिन नाश्ता करते हैं, खाने खाएंगे भी बाद में, खाने खा के आएंगे। अरसलान ने पराठे बनाए हैं, नजर सोच सोच के खा रही है। चलो गाइस अब यहाँ पर चल रही है बिरयानी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है, दिखाता हूँ कैसे बिरयानी बनती है। गाइस जब भी हम लोग आते हैं तो हमारे भाई हैं अमीनी के यहाँ खाना बनवाते हैं, अब की बार नहीं बनवा रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद अपनी मोहब्बत से हमें खाना खिलवाया है और ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। जब भी आप लोग आएँ यहाँ पर तो इन्हीं से खाना बनवाएं, बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया और बहुत सफाई से खाना बनाते हैं, मसाला क्वालिटी मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी, दिखाइए ज़रा सा वो हमारे वोट को देखो किस तरीके से।
है नहीं, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है सब, और माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बना, बाकी लोगों का तो बनता ही है लेकिन इनका स्पेशल अच्छा और सफाई से खाना बनाते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जरूर आएंगे। और क्या और दिखा दो, तो गाइस ये है इनका बोर्ड, सैयद मुबारक साबरी खान सामा, जहाँ पर नियाज का खाना बनता है। गाइस आप इन्हें पहचान लो, आप हमें इतना प्यार देते हो हर वीडियो में, तो ध्यान रखें जब भी आए तो यहीं खाना बनवाएं और अच्छा खाना बनाएंगे, पैसे बहुत सही लेते हैं, बहुत बड़ी मोहब्बत और बहुत प्यार से खाना खिलाते हैं। सो गाइस देखिए अब हम लोग जा रहे हैं साबिर पाक दरगाह पर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मार्केट है, ये देखें यहाँ टोपी स्लीपर्स सब चीज़ मिलेगी, अशू का ड्रम तो है। मेरा मुंह देख रहा है, मैंने इसका नाम लिया, हाँ नाम लिया ना क्या भाई, मेरा नाम लिया डैडी डैडी यहाँ पे छोटे छोटे यूटेंसिल्स हैं जो कि ताई को बहुत पसंद है, मम्मा भी ले लेते हैं, मम्मा ले लेते हैं, मैं भी ले लेती हूँ, अच्छा लगता है ना छोटे छोटे, खासकर सिल्वर जो ये दिखता है लेकर गए थे ताई, वो रखे हुए हैं अभी तक। ये हुक्म हमें कब दिया तुम खाना भी खाना, साबिर पाक के मामू जब ये पूछते हैं कि तुमने यहाँ रहकर 12 साल खाना क्यों नहीं खाया, तो आप फरमाते हैं कि आपने हमसे कब कहा था खाने के लिए, आपने यही तो कहा था कि आप लुटाइए दूसरों को खिलाइए, हमसे कब कहा था आपने, आपकी ये बात सुनकर मामू क्या कहते हैं समाप्त कीजिएगा। हमको ना इजाजत मिली खाने के वास्ते, हम पापा रहे करते यू ही 12 साल से, बाबा ने कहा वाकई साबिर हो मेरे लाल, बचपन में किया तुमने बड़ा सब्र का कमाल, फिर एक नजर खास जो साबिर पे डाल दी, दम भर में सभी आपकी हसरत निकाल दी, एक जाम निगाहों से उन्हें ऐसा दे दिया, 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 साबिर को वली कर दिया रब से मिला दिया, साबिर को वली कर दिया रब से मिला दिया। आपकी दरगाह और आप लोग भी ज़ियारत कर लीजिए, सलाम करिए और आइए। ये भी आ रहा है अपना, देखिए यहाँ पर सब लोग रेस्ट वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पर बैठने का सब मतलब एक जगह से जगह दे रखी है, यहाँ पर रेस्ट कर सकता है। और हमारा सलामी हमारे साथ आ गया है, सलाम करने यहाँ पर सलाम करने के लिए आ गया है सलाम जी, अफजान जी हाँ बेटा आ जाओ, सलाम करने के लिए अफजान चलेगा, इंतज़ार कर रहा है कि वो चलते हैं अंदर, भैया आ जाए,
देखिए गाइस कितनी भीड़ है यहाँ पर, लोग चादर जा रही है सरकार की, सरकार के लिए चादर जा रही है, लोग चादर जा रही है। सो गाइस चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं सलाम करने के लिए। कहाँ बैठ गई हो रास्ते में, पीछे होके बैठो, आगे हो जाओ, रास्ता दोनों साइड से रास्ता बंद किया, कहाँ से आएंगे मेहमान। यहाँ से हम लोग ले जाती है, और यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए आते हैं तो आप लोग भी आपको दिखाते हैं। अपना सलाम कबूल कर, सलाम करिए और कबूल हमारे साथ। अब यहाँ पे सलाम कर चुके हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा इंतज़ाम है यहाँ का, इंतजामिया का बहुत अच्छा है, सब बढ़िया, सब कुछ सब बढ़िया है और चलते रहे। वहीं यहाँ सुरक्षा का भी लिहाज बहुत अच्छा है, खिदमत के लिए सब लोग खिदमत करते हैं यहाँ पर। देखिए आप लोग माशाल्लाह ये मस्जिद है यहाँ की, यहाँ नमाज होती है, नमाज पढ़ी जाती है, सब लोग आए हुए हैं, देखिएगा ये चादर चादर साबिर पाक के आस्थाने के लिए आई है। लोग चादर में शामिल होंगे, माशाल्लाह से कितनी रौनक है, और रात में जब लाइट जलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। देखिए गाइस अभी भैया और अरसलान चाची सब लोग आ रहे अभी रुको। सो गाइस यहाँ पर देखिए यहाँ की मार्केट, यहाँ पर काफी सारे रौनक है, यहाँ लकड़ी के बर्तन वर्तन मिलते हैं सब, लेकिन ये सब हर जगह मिलते हैं। ये देखिए टॉयज ज्वेलरी, यहाँ से भी चाची ले रही है तस्वीर दादी के लिए। टिक्की बर्गर साठ रुपये। साठ रुपए का एक सौ बीस का।
गाइस ये देखें, अफसान को बहुत प्यारे लगते हैं छोटे से इसके मेमे। ये देखें खाना खिला रहा है अफसान। चलिए अब हम लोगों ने सलाम कर लिया है और अब हम लोग देखे पार्किंग में आ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं। देखे वहाँ दूसरी वाली कार खड़ी है, नजुक बाइक कर रही है। घर के लिए निकलते हैं। हमने सलाम कर लिया, अच्छी ज्यारत हुई और यहाँ बहुत अच्छा रहा ज्यारत का और अच्छा इंतजाम है। गाड़ी की पार्किंग बहुत है और काफ़ी सारी स्पेस है। आगे चल के मिलते हैं आपको। अभी कहाँ हम रुकेंगे, कहाँ चाय पीएंगे, क्या करेंगे, तो चलिए अब हम आपको आगे दिखाते हैं। गाड़ी हमारी निकल रही है, एक गाड़ी वो खड़ी है, दूसरी वाली भी अभी सब बैठे हैं, अब हम लोग भी बैठ जाते हैं। पर देखिए अब जान हमें यहाँ तक लाया था सलाम कराने के लिए, अब वो लेकर जा रहा है वापस छोटे ड्राइवर साहब और ये हमारा अरसलान भाईजान। ये कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया लग रही है लाल। बहुत बढ़िया लग रही है। देखो हमारे भतीजे ने अंगूठी खरीदी है, कितनी शानदार लग रही थी अंगूठी, देख के डर लग रहा मुझे तो। व्हाइट खरीद कोई नहीं यार, अच्छी लग रही है ब्लैक। ये गोरे गोरे हाथों पे अच्छी लग रही है ब्लैक। जूस वूस तो नहीं पिएगा अरसलान? सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं टैंक खड़ा हुआ है। ये तो बाहर निकलने को तैयार है। इसे हवा अच्छी लग रही है, हवा अच्छी लग रही है। गाड़ी चलाएगा ना? आ जा। नहीं सलमान हाथ करियो, हाथ हाथ करियो अफसान। देखो साहब कैसे लटके हुए हैं ये हमारे हैवी ड्राइवर। हैवी ड्राइवर निकलने में तैयार है। आ जा आ जा आ जा। देखो कुछ भी कर रहा है। हां अफसान ये देखे दोनों भाई जान। ये भैया मम ले चलो। गाइस हम चाय वाय कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए रुके हैं यहाँ पर। किसका
अरे ये तो रिजल्ट एक्स्ट्रा है ना। मुझे लगा ये अरेंज बना हुआ है रिजर्व पार्क में। बैठ जाते हैं देखिए ये बग्गी के साथ बैल भी है, इसके अंदर बैल भी जुड़ा हुआ है। पता नहीं चाचा मैडम आ रही है। चलो अब देखते हैं क्या एक्सप्लोर करते हैं। हल्दीराम तो आप लोगों ने देखा ही है, हम कर चुके हैं। आपने अभी तक अगर वो ब्लॉग नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। और क्योंकि हम लोगों ने खाना खा लिया था तो बस कुछ चाय वगैरह का होगा। अभी चाचा आ जाए कहाँ रहते हैं देखिए। आ चुके हैं चाचा भी, अब हम सब लोग सीख लेते हैं। आ चुके हैं हमारे भाई जान दादी। तो चले गुड मॉर्निंग गाइस। ये सच में अभी सो के उठा है तो सो के उठने के बाद चाय चाहिए होती है तो चाय भी नहीं आया। आज ये कप स्टैंड है। ये देखे अरसलान और भैया की तरह चाय वगैरह दे रहे हैं। अब पापा देखने गए कि कहीं भैया ही तो नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर आ चुकी है कुल्हड़ चाय। उधर रख ले कुल्हड़ चाय रस। जो चल रही है नुक्कड़ की चाय, नुक्कड़ की चाय पियो। चाय फिनिश हो गई। कौन आ रहा है? फ्रॉड। ये तो फ्रॉड ही है पक्का। FROAD है। स्पेलिंग में गलत है इसका। हां वही का क्या FUA। देखो भैया बुला रहे हैं। वो जी कैंटर गया था। खुल गया तो सब ने की बात दिया। कितना समझा दिया? 53 रुपए का समझा है। कोई चीज है तो कहां ना चाय तुम्हारा मिल गया। 53 रुपए का मेरे को बीच में दादी। वो है दो बार चाय दे देगा। दे
गाइस देखिए अब आने लगे हैं समोसे। लो यार चल मेरा चाय पे ध्यान चला गया। होगा ठीक है मैंने बताया ना 53 बरस का समोसा समोसे तो यार अरसलान के नहीं आए ये उठ गया मैगी का क्या बोलती बन रही बन रही है भैया मैगी इतने अच्छे काम चलाना अरसलान का आ चुका है क्या देखिए छोटा सा गेट बना हुआ अच्छा लग रहा है ना। हाँ ये है ना अच्छा लगता है ना ऐसे छोटा छोटा फूल भी है कैसे अच्छा पेट्रोल पंप में फूल ही लग रही थी इसलिए है ना। सो चलिए गाइस अब चलते हैं घर की तरफ। सर उठा के मैंने तो कितनी ख्वाहिशें की थी कितने ख्वाब देखे थे कितनी कोशिशें की थी जब तू रूबरू आया जब तू रूबरू आया नजर ना मिला पाया सर झुका के एक पल में पसंद आएगा और इसमें लाइक दीजिएगा शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड और अपनी फैमिली के अंदर इस ब्लॉग को। और दूसरा यह है कि कल इंशाल्लाह कल चांद दिखेगा और मैं एडवांस में आपको चांद मुबारक की बात मुबारकबाद देता हूँ और रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ कि आप अपने परिवार में खुश रहें मज़ा करें मस्ती करें और रमज़ान का महीना बरकतों का महीना है इसमें जो मुसलमान भाई हैं सब रमज़ान रखें इबादत करें और अपने मुल्क के लिए और अपने जो बॉर्डर पर फौजी भाई हैं उनके लिए दुआएं करें लंबी उम्र की दुआएं करें उनके लिए सेहत की और तंदुरुस्ती की दुआएं करें अपने घर परिवार के लिए सेहत और तंदुरुस्ती की दुआएं करें और पूरे मुल्क के लिए दुआएं करें अपने हमारे हिंदुस्तान के लिए पूरे मुल्क के लिए दुआएं करिए और हमेशा खुश रहिए मस्त रहिए अपनी फैमिली में इंजॉय करिए और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।